अरे वहाँ प्रकृति के प्रति उत्साही, आज मैं आपको भालू देश के दिल में एक जंगली यात्रा पर ले जा रहा हूँ। यह सही है, केवल 4 मिनट में आप इन अविश्वसनीय प्राणियों के बारे में जानने के लिए आवश्यक सब कुछ खोज लेंगे। तो चलो गोता लगाए। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि भालू की 8 प्रजातियां हैं? हाँ, प्रतिष्ठित ग्रिजली से आराध्य पांडा तक भालू वास्तव में विविध हैं। आइए उत्तरी अमेरिकी नायकों, ग्रिजली भालू और काले भालू से शुरू करें। ग्रिजली भालू भारी वजन वाले होते हैं, जिनका वजन 600 पाउंड तक होता है। उनके कंधों पर एक विशिष्ट उबड़ होता है, जो वास्तव में मांसपेशियों का एक द्रव्यमान होता है, जो उन्हें अविश्वसनीय ताकत देता है। और उन पंजे शिकार खोदने और पकड़ने के लिए बिल्कुल सही। लेकिन उनकी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद, ग्रिजलीज आमतौर पर जामुन, जड़ों और मछली का आहार पसंद करते हैं। अब काले भालू थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन समान रूप से आकर्षक होते हैं। वे 100 से 500 पाउंड तक कहीं भी वजन कर सकते हैं और काले से भूरे और यहाँ तक कि सफेद से विभिन्न रंगों में आते हैं। काले भालू उत्कृष्ट पर्वतारोही होते हैं और अक्सर पेड़ों पर चढ़कर खतरे से बच जाते हैं। उनके पास एक सर्वाहारी आहार है, जिसका अर्थ है कि वे फल और नट से लेकर छोटे स्तनधारियों और कीड़ों तक कुछ भी खाएंगे। एशिया की ओर बढ़ते हुए हम विशाल पांडा से मिलते हैं। ये बांस के चबाने संरक्षण के सच्चे प्रतीक हैं। पांडा दिन में 14 घंटे तक खाने में बिताते हैं और उनके आहार में लगभग पूरी तरह से बांस होता है। उनकी चंचल उपस्थिति के बावजूद पांडा एकांत जीव हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं। आइए ध्रुवीय भालू, आर्कटिक के राजा को न भूले। ध्रुवीय भालू पृथ्वी पर सबसे बड़े भूमि मांसाहारी हैं, जिनके नर का वजन 1500 पाउंड तक है। उनके मोटे फर और ब्लबर की एक परत उन्हें बर्फीले वातावरण में गर्म रखती है और उनका पसंदीदा भोजन जवानों। उनके पास गंध की एक अविश्वसनीय भावना है, जो लगभग 1 मील दूर से सील को सूंघने में सक्षम है। दक्षिण अमेरिका में चश्मा भालू, जिसे इंडियन भालू के रूप में भी जाना जाता है, इंडीज पर्वत पर घूमता है। ये दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी एकमात्र भालू है और उनकी आंखों के चारों ओर अद्वितीय सफेद चिन्हों से आसानी से पहचाने जाते हैं, जो चश्मे की तरह दिखते हैं। वे मुख्य रूप से फलों, ब्रोमेलियाज और कभी कभी छोटे जानवरों पर भोजन करते हैं। एशिया के जंगलों में हम सुस्त भालू पाते हैं। इन जबरा बालों वाले भालू ने मुख्य रूप से कीड़ों का आहार होता है। वे अपने लंबे घुमावदार पंजों का उपयोग दीमक के टीले को फाड़ने और अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से कीड़ों को चाटने के लिए करते हैं। सुस्त भालू निशाचर होते हैं और अक्सर अपने दिन गुफाओं या घने जंगलों में सोते हुए बिताते हैं। फिर सूर्य भालू है, जो सभी भालू प्रजातियों में सबसे छोटा है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। सूरज भालू में एक अद्वितीय नारंगी पीला छाती पैच होता है, जो उगते सूरज जैसा दिखता है। वे उत्कृष्ट पर्वतारोही हैं और फलों, शहद और छोटे कशेरुकियों के लिए पेड़ों में बहुत समय बिताते हैं। अंतिम लेकिन कम से कम एशियाई काला भालू, जिसे चंद्रमा भालू के रूप में भी जाना जाता है, उनकी छाती पर एक अलग सफेद अर्धचंद्राकार आकार होता है और एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। ये भालू सर्वाहारी होते हैं, फल, नट, कीड़े और छोटे स्तनधारियों को खाते हैं, इसलिए वहां आपके पास भालू परिवार का एक बवंडर दौरा है। ये शानदार जीव अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पनपने के लिए हमारी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। याद रखें कि क्या आप कभी भी जंगली ने भालू का सामना करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, हमेशा उनके स्थान का सम्मान करते हैं और सुरक्षित दूरी से निरीक्षण करें। इस भालू साहसिक पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथी प्रकृति प्रेमियों के साथ शेयर करना न भूलें। अभी बार तक खोज करते रहें।